अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में फरमाया, यह किताब परहेजगारों को हिदायत है जो गैब पर ईमान लाते और नमाज कायम रखते और हमने जो दिया उसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला आगे कुरान मुकद्दस में फरमाता है, व अकीमुस्सलाता व आतुस्ज़कता वरकउ मअर्राकईन, यानी नमाज कायम करो और ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ नमाज अदा करो, यानी मुसलमानों के साथ की रुकू हमारी ही शरीयत में है, या बाजमात अदा करो। और अल्लाह तबारक व तआला आगे कुरान मुकद्दस में फरमाता है, हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वकूमू लिल्लाहि क़ानितीन, यानी तमाम नमाजों खुसूसन बीच वाली नमाज की मुहाफिजत रखो, यानी असर की नमाज की मुहाफिजत रखो और अल्लाह के हुजूर अदब से खड़े रहो, अल्लाह के हुजूर अदब से खड़े रहो। और फरमाता है, व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, नमाज शाक है मगर खुशू करने वालों पर, यानी नमाज का मुतलकन तर्क तो सख्त हौलनाक चीज है ही, इसे कजा करके पढ़ने वालों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, खराबी है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से बेखबर हैं, खराबी है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से बेखबर हैं और वक्त गुजार कर पढ़ने उठते हैं। हजरते मोहतरम, जहन्नम में एक वादी है जिसकी सख्ती से खुद जहन्नम भी पनाह मांगता है, और उस वादी का नाम वैल है, वैल जिसमें कस्तन नमाज छोड़ने वाले उसके मुस्तहक होंगे, यानी जो लोग जानबूझकर नमाज छोड़ते हैं या नमाज में कोताही करते हैं, या जो लोग नमाज पढ़ते तो हैं लेकिन वक्त गुजार करके पढ़ते हैं, तो जहन्नम में एक वादी है वैल, वो कस्तन छोड़ने वाले उस वैल के मुस्तहक होंगे। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में आगे इरशाद फरमाता है, फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अदाउ सलाता वत्तबाउ शहवाती फसौफ यलकौन गय्या, उनके बाद कुछ ना खलफ पैदा हुए जिन्होंने अपनी नमाजें जाया कर दी और नफसानी ख्वाहिशों का इत्तबा किया, अन करीब उन्हें सख्त अजाब तवीलो शदीद से मिलना होगा। अल्लाह कुरान मुकद्दस में फरमाता है, अन करीब उन्हें सख्त अजाब तवीलो शदीद से मिलना होगा। हजरात मोहतरम गौर फरमाइए, गई जहन्नम में एक वादी है जिसकी गर्मी और गहराई सबसे ज्यादा है, गई जहन्नम में एक वादी है जिसकी गर्मी और गहराई सबसे ज्यादा है, और उस वादी उस कुएं का नाम हबब है, हबब। अल्लाहु अकबर। जब जहन्नम की आग बुझने पर आती है तो अल्लाह तबारक व तआला उस कुएं को खोल देता है जिससे वो बदस्तूर भड़कने लगती है। قال الله تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا, यानी जब वो बुझने पर आएगी तो अल्लाह तआला उसकी भड़क और ज्यादा करेगा। और आगे अल्लाह तबारक व तआला, यानी वो जो कुआं है जिसका नाम हबब है, उसके मुस्तहक वो लोग होंगे जो बेनमाजी होंगे, जानी होंगे, जो शराबी होंगे, जो सूदखोर होंगे और जो माँ बाप को तकलीफें देते हैं, वो लोग उस कुएं के मुस्तहक होंगे। हजरात मोहतरम, नमाज की अहमियत का अंदाजा इससे भी पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तमाम अहकामात जमीन पर भेज दिए, लेकिन जब नमाज फर्ज करनी चाहिए, जब नमाज फर्ज करनी मंजूर हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास अर्श अजीम पर बुला करके नमाज का तोहफा अता फरमा दिया। सब इसरा में नमाज का